बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रॉयल एम्ब्रॉयडरी। मारिया बी का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कोड आपको दिखाया जाएगा। लेटेस्ट कैटलॉग का ये आर्टिकल है और मोस्ट डिमांडिंग कैटलॉग का ये आर्टिकल आपको दिखाया जा रहा है। आर्टिकल नंबर है D4, ब्लैक कलर का इंतहाई खूबसूरत आर्टिकल, साथ में स्किन कलर की आपको एम्ब्रॉयडरी नज़र आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पर हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले हमने इसका ट्राउज़र ओपन किया है और अब चलते हैं आर्टिकल के फ्रंट की तरफ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह पूरा वॉल्यूम जो है वो प्योर शिफॉन के ऊपर मारिया बी ने रेडी किया है और हम भी आपको ये पूरा वॉल्यूम प्योर शिफॉन के ऊपर दे रहे हैं। प्योर शिफॉन का मतलब प्योर बैम्बस शिफॉन है। और स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। ये इसका फ्रंट साइड है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंटर पैनल में जो है आपको बड़ी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है, ब्लैक पर ब्लैक एम्ब्रॉयडरी है। लेकिन ये सेंटर पैनल जो है वो जस्ट पैनल जो है वो नॉर्मली इतना पैनल होता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा है। ये इसको मिड पोर्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साइड पर भी अगर आप देखें तो एक्सटेंशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा दिया गया और इसमें पैचेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी वन बाय वन करके तमाम आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। इससे पहले मैं आपको जो है वो फ्रंट की एम्ब्रॉयडरी दिखा दूं। तो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी की ओवरऑल लुक है जिसके अंदर ब्लैक थ्रेडवर्क है, साथ में सीक्वेंस का काम किया गया है। तो फ्रंट साइड कंप्लीट करते हैं, अब चलते हैं इसकी खूबसूरत सी नेक लाइन की तरफ। ये आ जाएगी प्योर ऑर्गेन्जा के ऊपर इसकी खूबसूरत सी नेक लाइन। इसके ऊपर 3D फ्लावर्स हैं और बड़ा माशाल्लाह बेहतरीन इसके ऊपर काम किया गया है। इसके अंदर सीक्वेंस का काम है, 3D फ्लावर्स, पर्ल्स और बड़ी एलिगेंट और डिसेंट लुक दे रहा है। ये इसकी नेक लाइन आ गई। फिर आएंगे जी इसके खूबसूरत से मोटिव्स जो कि इसके लेफ्ट और राइट पैनल्स पर जो है वो यूज़ किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लोजअप में दिखा दूँ कि ये इसका जो है वो मोटिव है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी कितनी खूबसूरत है। इसके बाद ये 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं, साथ में पर्ल्स का काम है और सीक्वेंस का काम आप देख सकते हैं। तो ये इसका जो है वो लेफ्ट और राइट का आ जाएगा मोटिव। फिर आएगा इसका सेंटर का मोटिव जो कि इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी के साथ है, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह ओरिजिनल में था वही चीज़ तैयार की गई है। और अब आपको ये दोनों चीज़ें साथ में ज्वाइन करके मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ पैच समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। पिक्चर से तो नॉर्मली हम दिखा ही देते हैं जिस तरह ये ओरिजिनल में है वो चीज़ आप देख लें, लेकिन हम पैच को साथ में ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि एक आपके सामने भी वीडियो के अंदर एक ओवरऑल लुक आ जाए। तो ये इसके लेफ्ट और राइट का मोटिव, साथ में सेंटर मोटिव आ जाएगा और फिर आ जाएगी इसकी खूबसूरत सी नेक लाइन। और फ्रंट साइड पर एक और इसका पैच यूज़ होगा जो कि प्योर ऑर्गेन्जा के ऊपर है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 3D फ्लावर और पर्ल्स का काम है। ये इसके दामन पर आएगा, ये इसकी खूबसूरत एम्बेलिश जो है वो प्योर ऑर्गेन्जा के ऊपर इसका पैच आ गया, साथ में हैवी सीक्वेंस का काम है। और फिर आएगी जी इसकी प्योर शिफॉन के ऊपर खूबसूरत सी बैक जो कि टोटली प्लेन दी गई है। और फिर आएंगे जी इसके प्योर शिफॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स और स्लीव्स पर जो है वो बड़े खूबसूरत से इसके ऊपर मोटिव्स यूज़ होंगे और साथ में पैच यूज़ होगा। सबसे पहले आपको पैच दिखाते हैं। तो पैच आप देखें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, मोस्ट डिमांडिंग डिज़ाइन आपको इस कैटलॉग का दिखाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मैं समझता हूँ कस्टमर जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो ये है कि डिज़ाइन पूरा का पूरा जो है वो प्योर शिफॉन के ऊपर है। शिफॉन की वैसे भी हर वक्त डिमांड रहती है। तो ये आ जाएगा इसके स्लीव्स का पैच। और आप चलते हैं इसके स्लीव्स के मोटिव्स की तरफ। ये इसके स्लीव्स के मोटिव्स आ गए, ये इसके खूबसूरत से मोटिव है। ये स्लीव्स के मोटिव्स आपको दिखा दिए गए। अब चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ जो कि प्योर शिफॉन के ऊपर इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा आ गया। और ये आप दुपट्टे की एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं, इसमें भी आपको थ्रेड और सीक्वेंस का काम नज़र आएगा और साथ में इसके दुपट्टे की 4-साइड पट्टी। खूबसूरत डिज़ाइन है और कस्टमर की डिमांड पर जो है वो हम सूट स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे, उसमें से थोड़ा सा सूट जो है वो तकरीबन हाफ डन पर था, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपको दिखाऊं, एक लुक आपके सामने शेयर की जा सके। ये इसके दुपट्टे की 4-साइड पट्टी है और अब जो सूट हमने तकरीबन स्टिचिंग के मरहल्ले में है तो वो मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले आप मुझे उसका फ्रंट दिखाएं।
फ्रंट साइड जो है वो जिस टाइम पर ये पैचेस वगैरह पेस्ट होंगे और तो इसकी खूबसूरत सी लुक ओवरऑल इस तरह की आएगी, ये आ जाएगी इसकी ओवरऑल लुक। और एक पैच जो हमने आपको दिखाया नहीं, जो कि फ्रंट साइड को कंप्लीट कवर करेगा जिस तरह ये साइड से भी और दामन से भी, वो ये पैच है जो कि आपको इस तरह साथ में लगेगा। अभी ये फ्रंट साइड जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, और ये चीज़ मैं आपको फिर मेंशन कर दूं कि जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, जो सूट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो प्राइस देंगे, वो टोटल अनस्टिच सूट की प्राइस है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो दिखाने के लिए मैं आपको ये सूट स्टिचिंग वाला सूट आपको जस्ट फॉर सैंपल दिखाया जा रहा है कि जिस टाइम पर ये सूट रेडी होगा तो इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। तो फ्रंट साइड मैंने आपको दिखाई, साथ में ये पट्टी जो है हमने अनस्टिच सूट के अंदर आपको नहीं दिखाई थी, वो स्टिच वाले सूट के साथ दिखाई है, लेकिन ये सूट का हिस्सा है। अब आपको दिखाते हैं दुपट्टा जो कि तैयार होकर कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा, कंप्लीट आपको थ्री पीस सूट मिलना है और अनस्टिच सूट मिलना है, ये रेडी टू वेयर दुपट्टा। और फ्रंट साइड जो है जस्ट फॉर सैंपल आपको दिखाया जा रहा है, और जिस टाइम पर यह दुपट्टा रेडी होगा तो इसकी इस तरह की खूबसूरत सी लुक आएगी। चीज़ दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्टिचिंग की फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे स्टिच सूट जा रहे हैं और बार बार ऑर्डर्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टिचिंग की क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि आपके साथ कुछ शेयर किया जाए। अभी इसके ऊपर कुछ भी डन नहीं है, इसके ऊपर ना एक्सेसरीज लगी हैं ना ये कंप्लीट हुआ है, जस्ट मैंने कहा कि दुपट्टा रेडी है तो वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि दुपट्टा जिस टाइम पर रेडी होगा तो उसकी क्या लुक आएगी। और फ्रंट साइड पर पैचेस ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने वो भी आपके साथ चीज़ शेयर कर दी। तो मारिया बी का लग्जरी शिफॉन कलेक्शन का आर्टिकल नंबर D4 आपको दिखाया गया। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।